उसके कंसेप्ट को थोड़ा और आगे हम एक्सप्लेन करते हैं और उसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। से एक लिफ्ट है हमारे पास, ये एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट में एक वेइंग मशीन रखी हुई है। वेइंग मशीन क्या होता है, जिसमें हम खड़े होकर अपना वेट मेजर करते हैं। एक्चुअली वेइंग मशीन एक मशीन है ऐसे, जिसपे कोई आदमी मान लो खड़ा है अपना मास या अपना वेट मेजर करने के लिए। तो वेइंग मशीन वेट नहीं मेजर करता, वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है। सो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज नॉर्मल रिएक्शन। वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होती है। वेइंग मशीन जो रीडिंग देता है वो नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो ये वेइंग मशीन है, यहां पे आदमी खड़ा है। ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रही है। तो आपको बताना है इस आदमी का वेट कितना होगा या इस वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू अ मैन अटैच्ड विद दिस लिफ्ट एंड अ मैन अटैच्ड विद द ग्राउंड। इसको वन एंड टू हम बोल देते हैं। इस मैन का मास स्मॉल एम है। सो इसके लिए एपीडी बनाते हैं और देखते हैं। पहली बात आप बताओ ये वन कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल। सो वन अर्थ में बैठा है, इसलिए इनर्शियल है, और टू टू लिफ्ट में बैठा है तो इनर्शियल है नॉन इनर्शियल है। अब वो तो पता चलेगा लिफ्ट का एक्सेलरेशन है या नहीं। हियर लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सो लिफ्ट इज आल्सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ही जैसे हैं। सो रीडिंग भी एक ही जैसी आएगी, एबीडी भी एक ही जैसा बनेगा। तो एबीडी बना के देखें तो क्या आएगा, ये मैन का वेट लगेगा नीचे की तरफ नॉर्मल ऐसे, और कोई तो कुछ फोर्स लग नहीं था। सो एन माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, जीरो। सो एन की वैल्यू आएगी एम जी। सो यहां वेइंग मशीन की जो रीडिंग होगी वो इसके वेट के बराबर होगी, लेकिन ग्राउंड में बैठा है इसको हमने वन बोल दिया। और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है ए एक्सेलरेशन से। अभी आपको बताना है कि इस आदमी का रीडिंग, इस आदमी का वेट क्या होगा, या फिर बोलो इस वेइंग स्केल की रीडिंग क्या है। सो अब अगर हम आपसे पूछें कि मैं इस टू वाले मैन को क्या नजर आएगी और इस वन वाले को क्या नजर आएगी, क्या दोनों को डिफरेंट नजर आएगी, वो चेक करते हैं। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन पहले बता रखा है नॉर्मल है, तो वो फिर भी मुझे नॉर्मल मेजर करना है। वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, इनर्शियल या फिर नॉन इनर्शियल। सो वन ग्राउंड पे अटैच है इसलिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब मुझे कोई सुपर फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका एबीडी देखें क्या आएगा, नॉर्मल और वेट। और ये ब्लॉक, ये मैन ऊपर जा रहा है एक सेक्शन से, क्यों लिफ्ट जा रहा है एक सेक्शन से, इसलिए मैन भी जा रहा है एक सेक्शन से। कंस्ट्रेंट रिलेशन में हमने देख रखा है, अटैच है दोनों दूसरे से। यहां पर इक्वेशन लिखी जाएगी, तो क्या लिखी जाएगी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एन माइनस एम जी, दिस इज नेट फोर्स, एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एन की वैल्यू क्या आएगी, एम जी प्लस ए। ये इसका अपेरेंट वेट है, एक्चुअल तो नहीं है, एक्चुअल तो इसका वेट एमजी है ना, एक्चुअल वेट इसका एमजी है, लेकिन यहां पे एमजी से ज्यादा रहती है, अपेरेंट वेट है, बोल सकते हो ये नॉर्मल रिएक्शन इसके एक्चुअल वेट से ज्यादा आएगा। ये वन के लिए हमने किया है, ये वन को जो नजर आ रहा है, क्या टू को भी यही नजर आएगा, क्या टू को भी यही वेट नजर आएगा, इसके लिए जरा देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टू। बात करें तो टू कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल। टू इज अटैच्ड विद द लिफ्ट एंड लिफ्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए, और जो कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस
किसी एक्सेलरेशन से चलता है वो नॉन इनर्शियल होता है, इसका मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, मतलब मुझे यहां पे सूडो फोर्स लगाना होगा तभी वैलिडेट कर पाएंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, अदरवाइज नहीं। तो एफबीडी बनाएंगे तो क्या आएगा, एक नॉर्मल, एक वेट और एक सूडो फोर्स। सूडो फोर्स किधर होगा, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है तो सूडो फोर्स क्या आएगा, नीचे आएगा एम ए। और इस आदमी का एक्सेलरेशन इस टू के रिस्पेक्ट में कितना होगा, ये आदमी भी किसी लिफ्ट से अटैच है, ये आदमी भी इसी लिफ्ट से अटैच है, तो मैन टू और ये मैन एम दोनों एक ही जगह से अटैच है, दोनों एक ही एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, तो रिलेटेड एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू टू क्या आएगा, जीरो। So, यहां पे अगर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिखेंगे क्या लिखेंगे, एन ऊपर लग रहा है, एम ए सूडो फोर्स नीचे लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू टू लिखेंगे, तो यहां एन माइनस एम ए प्लस जी इज इक्वल टू जीरो। सो एन की वैल्यू क्या आएगी, एम जी प्लस ए। So, जो रिएक्शन यहां आ रहा था वही रिएक्शन यहां आ रहा है, मतलब इस सिस्टम को आप चाहे लिफ्ट से स्टडी करो चाहे ग्राउंड से स्टडी करो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, हाँ अप्रोच में फर्क आ जाएगा। क्या फर्क आएगा बताते हैं जरा, इसको पढ़ा लिखो देखते हैं। यहां पे नॉर्मल और वेट का रिजल्टेंट इन द सिचुएशन फॉर विद फॉर ब्लॉक या फॉर मैन विद रिस्पेक्ट टू वन, नॉर्मल एंड रिजल्टेंट ऑफ द वेट इज नेट फोर्स that is responsible for accelerating this block with acceleration a. So normal of weight the resultant is block ko chala raha hai acceleration se. With respect to two dekhen to ye to chal nahi raha na, accelerate nahi ho raha na, matlab equilibrium mein hai na. So yahan pe kya hoga, normal is balanced by pseudo force and weight. यहां पे क्या हो गया, नॉर्मल और वेट का रिजल्टेंट इसको एक्सेलरेट कर रहा है और यहां पे नॉर्मल इज बैलेंस्ड बाय वेट एंड सूडो फोर्स। सो अप्रोच में फर्क हुआ, अदरवाइज दोनों बातें सेम विद रिस्पेक्ट टू वन देखो या विद रिस्पेक्ट टू टू देखो। यहां पे मैन वन है, दिस लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड with decreasing speed and rate of change of speed is a. So lift is moving upward. यहाँ पे इसी प्रश्न को दोबारा करते हैं एक और एग्जांपल से। एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक मैन रखा हुआ है और उसकी लिफ्ट के अंदर एक मैन है टू और एक बाहर मैन है वन, और ये मैन टू और मैन वन इसको ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन यहाँ लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रही है, but speed of the lift is decreasing with time as a meter per second square. So क्या होगा, लिफ्ट में जो बैठा आदमी है उसको अगर वन देखेगा तो वन कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल। सो वन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो यहां पे n लिखेंगे और वेट लिखेंगे, कुछ और लिखने की जरूरत है, किसी तरह का कोई और एक्सेलरेशन कोई और फोर्स नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि यहां सूडो फोर्स नहीं लगने वाला, ये इनर्शियल है। लेकिन इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन किधर है, लिफ्ट ऊपर जा रही थी लेकिन स्पीड घट रही, इसका एक्सेलरेशन इसका किधर होगा, नीचे की तरफ। सो डोमिनेंट फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू एम ए, सो एन इज इक्वल टू जाएगा एम जी माइनस ए। यहां पर नॉर्मल वेट से कम आएगा, मतलब अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम होगा, लेकिन यही बात अगर टू देखेगा तो क्या आएगा, टू इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हमें सूडो फोर्स ऐड करना होगा, क्या होगा, नॉर्मल ऊपर रहेगा वेट नीचे रहेगा। सूडो फोर्स किधर लगेगा, सूडो फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लगता है ना, सही है क्या ये, तो वेलोसिटी ऊपर है तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा, ऐसा होगा नहीं, सूडो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है, तो लिफ्ट ऊपर जा रही है स्पीड घट रही है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ रहा होगा, तो इसलिए सूडो फोर्स ऊपर लगेगा। फिर से बता देते हैं, लिफ्ट ऊपर जा रही है उसकी स्पीड घट रही है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन नीचे रहा होगा ना, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, तो ऐसा आएगा। यहां पे अगर लिखा जाएगा तो एन प्लस एम ए माइनस एम जी, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू टू लिखें तो क्या आएगा,
n plus ma minus mg is equal to 0. So n की वैल्यू आएगी mg minus a. यहां पे वेट एक्चुअल वेट से कम यहां भी आ रहा है, जो रिजल्ट यहां आ रहा है वही रिजल्ट यहां आ रहा है. बस फिर से आपको बताते हैं कहने में फर्क है, यहां पे वेट और नॉर्मल का रिजल्ट इसको एक्सेलरेट कर रहा है और यहां पे नॉर्मल और वेट, नॉर्मल और सूडो फोर्स मिलकर बैलेंस कर रहे हैं वेट को और अल्टीमेटली रिजल्ट सेम.